हेलो एवरीवन, आज हम इंटीजर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे। तो इंटीजर्स को समझने के लिए हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहला, नेचुरल नंबर्स। कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो वन से स्टार्ट होता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। और दूसरी चीज़ है होल नंबर्स। और होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, उसमें 0 भी प्रेजेंट होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आपने दो टर्म्स ज़रूर पढ़े होंगे, सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर। सक्सेसर मतलब होता है वन आफ्टर या वन मोर, एक ज़्यादा। और प्रेडेसेसर मीन्स वन लेस या वन बिफोर, यानी एक कम या एक पीछे। तो यहाँ पर एक मैंने नंबर लाइन बनाई है और मिड पॉइंट को मैंने 0 माना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने राइट साइड में नंबर्स लिखे हैं 1, 2, 3, 4। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 1 का सक्सेसर यानी 1 के बाद वाला जो नंबर है वो क्या होगा, तो 1 के बाद आता है 2। और अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि प्रेडेसेसर ऑफ 1 क्या होगा, तो 1 से पहले आता है 0। लेकिन अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि प्रेडेसेसर के पहले क्या आएगा, तो वो जो नंबर्स होते हैं वो सब नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी माइनस के नंबर्स। यानी 0 से पहले आता है -1 या -1, इसको हम -1 कहते हैं। तो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, उन्हीं को ही हम इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स के अंदर 3 तरह के नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स यानी माइनस वाले नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। 0 जो है वो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, नीदर नेगेटिव नंबर्स नॉर पॉजिटिव नंबर्स। 0 सिर्फ इंटीजर्स कहलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी जो प्रॉपर्टीज इनको फुलफिल करती है या नहीं उसके बारे में। तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। आपने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा कि होल नंबर्स को जब हम दूसरे होल नंबर के साथ प्लस करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी एक होल नंबर होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 5 को 6 से प्लस करती हूँ तो आंसर 11 आता है, और 11 इज़ अ होल नंबर। अगर मैं 0 को 9 से प्लस करती हूँ तो आंसर 9 आता है, वो भी एक होल नंबर है। तो होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। अब हमें चेक करना है क्या इंटीजर्स भी उस प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है या नहीं। तो अगर हम दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं तो क्या आंसर इंटीजर आएगा। एग्जांपल के तौर पे 7 को अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर यानी -4 से प्लस करते हैं तो आंसर 3 आता है, एंड 3 इज़ अ इंटीजर। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैंने -8 को 2 से ऐड किया तो -6 आया, और वो भी एक इंटीजर है। तो क्लोजर अंडर एडिशन के अंदर देख सकते हैं कि द सम ऑफ टू होल नंबर इज़ अगेन अ होल नंबर। दो होल नंबर का आंसर भी होल नंबर है, उसी तरह से इंटीजर्स का भी दो आंसर जो आंसर आएगा वो भी आपका इंटीजर होगा। नेक्स्ट है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर में अगर हम दो इंटीजर्स को माइनस करते हैं तो क्या वो आंसर इंटीजर होगा, देख लेते हैं। अगर 5 - 3 करती हूँ तो 2 आता है, तो यस 2 इज़ अ इंटीजर। 6 को अगर हम -4 के साथ माइनस करते हैं तो आंसर 10 आता है, 10 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो यानी कि एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दोनों नेगेटिव नंबर्स का, तो आंसर भी नेगेटिव में आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। ये तीनों जो आंसर आए हैं वो इंटीजर्स हैं, यानी कि क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन के अंदर इंटीजर्स उसको फुलफिल करता है। लेकिन अगर हम होल नंबर को देखते हैं तो क्या वो प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, एक बार देख लेते हैं। 4 - 6 किया तो आंसर आया -2, और होल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, वो सिर्फ 0 से स्टार्ट होते हैं और बाकी सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। एंड -2 इज़ नॉट अ होल नंबर, सो होल नंबर इस प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता। तो ये हमारा हुआ क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन के अंदर ओनली इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम होल नंबर को देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर,
तो अगर हमने 8 को प्लस किया 5 से तो आंसर आया 13। अगर मैं इनकी पोजीशन को चेंज कर देती हूँ और 8 की जगह 5 और 5 की जगह 8 कर देती हूँ तो क्या आंसर सेम होगा? 13। यस, दोनों आंसर सेम है। इंटीजर्स के केस में देख लेते हैं। अगर हम 4 को नेगेटिव 3 के साथ ऐड करते हैं तो आंसर 1 आया। अब उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो भी आंसर सेम ही आया है। तो इसका मतलब इंटीजर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आता है कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स एंड एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। अब जो नेक्स्ट है वो देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है। तो अगर हम होल नंबर्स को देखते हैं कि होल नंबर्स की पोजीशन चेंज करने पर क्या आंसर सेम आता है, तो एग्जांपल के तौर पर 5 माइनस 3 जो है वो 2 है। अगर मैं 3 और 5 की पोजीशंस चेंज कर देती हूँ तो क्या आंसर सेम आएगा? तो यहाँ पर आया नेगेटिव 2, यानी 2 इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव 2। अब हम इंटीजर्स को देखते हैं कि अगर इंटीजर्स में नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा? तो इंटीजर्स में हम पोजीशंस को चेंज करने जा रहे हैं, नंबर्स हैं 6 माइनस 4। अगर 4 को 6 की जगह रखते हैं और 6 को 4 की जगह रखते हैं तो आंसर दोनों इंटीजर्स हैं लेकिन सेम नहीं है। तो इसमें भी यही पता चलता है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स ऑल्सो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम होल नंबर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर हम 3 नंबर्स लेंगे, पहले नंबर को हम अलग रखेंगे और दूसरे 2 नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर, फिर हम इसका आंसर सॉल्व करेंगे। तो 5 प्लस ब्रैकेट के नंबर्स जो होंगे प्लस करने पर 9 आता है और दोनों को प्लस किया तो 14 आया। अब हम पहले जो 2 नंबर्स है उनको ब्रैकेट में रखते हैं और तीसरे नंबर को अलग रखते हैं, तब भी हमने जब ऐड किया तो 11 प्लस 3 दैट इज 14, दोनों आंसर्स सेम है। ये तो हुआ होल नंबर्स का। क्या इंटीजर्स ये करता है या नहीं ये चेक करते हैं विद एग्जांपल। यहाँ पर हमने एग्जांपल पे तौर पे लिया है 4 प्लस एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं नेगेटिव 2 देन प्लस 3। अब हम इसको दोनों को ब्रैकेट में डाला है इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिया है। अब नेगेटिव 2 प्लस 3 जो है ये हुआ 1 एंड 4 प्लस 1 दैट इज 5। अब मैं पहले 2 नंबर्स को ब्रैकेट में रखने जा रही हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में एंड देन 3 को अलग, तो ये आंसर हो गया 2 प्लस 3 विच इज 5। यहाँ पर भी दोनों आंसर्स सेम है। तो इसी को ही हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो एसोसिएशन है अगर चेंज हो भी जाए तो भी फाइनल आंसर सेम आएगा, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट देन ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी आर इक्वल। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आता है कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स ऑल्सो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से प्लस करते हैं तो जो आंसर आता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 0 जो है वो 5 ही आता है, तो दैट इज करेक्ट आंसर। इंटीजर्स को ले लेते हैं कि इंटीजर्स ये प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है या नहीं। तो इंटीजर्स में हम देखते हैं कि जब हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 6 प्लस 0 आंसर 6 विच इज एन इंटीजर एंड द सेम आंसर। 5 नेगेटिव 5 को ले लेते हैं प्लस 0 इक्वल्स टू नेगेटिव 5 विच इज ऑल्सो द सेम आंसर। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी भी इंटीजर्स फुलफिल कर रहे हैं, दोनों आंसर इंटीजर ऑन द सेम आंसर जिस नंबर से हमने 0 को ऐड किया था। इसी को ही हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये तो हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 0 इज एन additive identity for whole numbers and 0 is an additive identity for integers. Thanks for watching. Please mere channel ko like kijiye, share.